क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर में दिया है 729 तथा सातवां पद 64 है, तो एस सात यानी प्रथम सात पदों का योगफल निकालना है। प्रथम सात पदों का योगफल हमें निकालना है। चलिए यहाँ प्रथम पद दिया है, मान लेते हैं माना जीपी का सार्व अनुपात आर है। अच्छा सातवां पद दिया है 64 और प्रथम दिया है 729, तो सातवां पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, ए आर का पावर 6 बराबर में 64। एक जगह पे 729 रख देते हैं और आर का पावर 6 बराबर में 64, यहां से आर का पावर 6 बराबर में 64 बटा में 729। आर का पावर 6 बराबर में, देखिए अगर मैं उसे 2/3 का पावर 6 रख दूं, ऐसे होल पावर में कर दूं तो हो जाएगा ना जी, देख लीजिए 2 का पावर 6 आपका 64 होता है और 3 का पावर 6 आपका 729 होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए तो यानी कि आर का मान आ जाएगा 2/3, आर निकल गया, हमें सात पदों का योगफल निकालना है, तो आर का मान 1 से छोटा है ना जी, तो हम लोग को सात पदों का योगफल निकालना है। ऐसे फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में 1 r^n बटा में 1 r, क्योंकि आर का मान 1 से छोटा इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। प्रथम सात पदों का योगफल, ए का मान है 729, 1 − 2/3 का पावर 7 और बटा में 1 − 2/3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 729 ब्रैकेट में देखिए 1 − 2/7 निकाल दे क्या, 128 आ जाएगा, 128 और बटा में 3 × 7 हो जाएगा 2187, ठीक है, और बटा में नीचे जो है आप एलसीएम ले लो, चाहे अगले स्टेप में लिया जाएगा दोनों जगह एलसीएम ऊपर नीचे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 729 ब्रैकेट के अंदर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2187 यहाँ आ जाएगा, 2187 − 128, ठीक है, और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, 128 है आपका, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा 3, 3 में से 2 बन जाएगा, समझिए यहाँ पे, यहाँ देखो 729 में ये जो भाग में है ना ये अगले स्टेप में किया जाएगा, 729 यहाँ देखो घटा दो तो घटाओगे तो कितना जाएगा 128 को 2187 में, कितना जाएगा 2059 बटा में 2187 और बटा में 1/3, तो ये 3 जाके 729 में गुना करेगा, ये भी 2187 और गुना में 2059 और बटा में आपका हो जाएगा 2187, ये आपका कट जाएगा यहाँ से 2059 यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, प्रथम सात पदों का योगफल। चलिए अगला